नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रेनेसे टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इसको रेनेसे टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट रेनेसे टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, रेनेसे टैबलेट की बात करें तो इसके अंदर बायोटीन, अम्यूनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, रेनेसे टैबलेट को एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, 247 रुपये में ये 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, रेनेसे टैबलेट के इस्तेमाल की बात करें, डॉक्टर के द्वारा रेनेसे टैबलेट को कौन कौन सी कंडीशन में दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपके हेयर फॉल की समस्या है, यदि किसी भी महिला के दोस्तों या पुरुष के हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से आपके बाल झड़ रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा घरेलू नुस्खे ट्राई कर चुके हैं, फिर भी आपके बाल झड़ने से नहीं रुक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों रेनेसे टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, यदि आपकी हेयर की जो शेल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ये उनको रिपेयर करती है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपके बाल जो गिर गए हैं उनको दोबारा से उगाने का काम करती है। दोस्तों, आप इस रेनेसे टैबलेट को किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप से ख़रीद सकते हैं। आपके हेयर फॉल के लिए बहुत बेहतरीन टैबलेट है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपके बॉडी के अंदर हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ होती है तो उसमें भी काम करती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है बहुत अच्छा। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपको आपके नखूनों से नेल्स से संबंधित कोई समस्या है, यदि आपके नखून से संबंधित आपको कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस टैबलेट का डॉक्टर के एडवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपकी स्किन से संबंधित कोई समस्या है, आप ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर के एडवाइस पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन से संबंधित कोई आपको डिसीज़ है। दोस्तों, इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा एक एडल्ट व्यक्ति को एक रोज़ की एक टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके इस्तेमाल करने से आपको कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, पेट में गैस हो सकती है, कब्ज हो सकती है, इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है जो किसी किसी पेशेंट में इसके ओवर डोज लेने से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।